मित्रों नमस्कार, जय जय राम कृष्ण हरि। संतों के द्वार पर ये जो हमने श्रृंखला शुरू की है, इसकी ये पांचवी कड़ी है, ये पांचवा पुष्प आज हम गूंथ रहे हैं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि वारी जो है इसका क्या महत्व है, इसकी किस तरह की परंपरा जो है शिवजी से लेकर आज तक किस तरह से ये परंपरा चली आ रही है, ये हमने देखा था। मित्रों, वो जो विट्ठल है, वहाँ पे जो मूर्ति है विट्ठल की और रखुमाई की, वो मूर्ति जो है वो सारे संतों को, भक्तों को इतनी प्यारी है, जान से प्यारी है, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके कई कई अभंग, कई कई उसकी उसके अभिनंदन पर पद और भजन लिखे गए। स्वयं ज्ञानेश्वर ने भी रूप पाहता लोचनी, सुख झाले ओ साजनी, तो हा विठ्ठल भरवा, तो हा माधव भरवा, सर्व सुखाचे आगर, बाप रखुमा देवी वर, इस तरह से भजन गाए। और आज महाराष्ट्र में जो भी कीर्तनकार, प्रवचनकार जो प्रवच अपने प्रवचन और कीर्तन की शुरुआत ही इस अभंग से करता है, इस भजन से करता है। बहरहाल, हम तो जब ज्ञानेश्वर जी की हम बात करेंगे तब मैं ये आपको बताऊंगा। लेकिन ये सबसे विशेष बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञानेश्वर जी ने जो हरिपाठ लिखा, उस हरिपाठ के 27 अभंग है। लेकिन महाराष्ट्र में आप किसी को भी पूछ लेंगे, वारकरी संप्रदाय के किसी व्यक्ति को भी आपने पूछ लिया या किसी भी आम आदमी को आपने पूछा कि हरिपाठ के कितने अभंग है या कितने पद है, तो वो व्यक्ति आपको 28 बताएगा। मैं भी जब मुझे कोई पूछ लेता है कि भाई हरिपाठ में कितने अभंग है, तो मैं भी 28 ही बताता हूँ। लेकिन मित्रों, सबसे विशेष बात यह है कि हरिपाठ के केवल 27 अभंग ही ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखे हैं। फिर एक अभंग क्या था, तो वो एक अभंग जो है वो अभंग है संत तुकाराम महाराज जी का। महाराष्ट्र में संत तुकाराम को जगतगुरु की संज्ञा दी गई है। हालांकि ज्ञानेश्वर जी को तो माउली कहते हैं, माँ है। हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो सबसे बड़ा महान जो भी होगा, जो अपने कल्पना के परे होगा, हम उन्हें एक तो ईश्वर बना देते हैं, एक तो फिर माँ की हम उनको उपाधि दे देते हैं। गंगा जो नदी हमारी गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता तक जाती है, गंगा सागर में मिलती है, जाते जाते वो करोड़ों लोगों का कल्याण करते चली जाती है, इसलिए हमने गंगा मैया कहा। हमारे ये देश है जिस देश में सारी नदियों को हम माँ कहते हैं। हमारे बिल्कुल गांव के करीब से तापी मैया बहती है, हम उसे भी माँ कहते हैं। नर्मदा को भी माँ कहते हैं। नर्मदा की परिक्रमा करने से बहुत सारा पुण्य मिलता है, इस तरह की कई कथाएं हैं। और आज भी हजारों लाखों लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नदियाँ जो होती है, ये उस मनुष्य के जीवन को उद्घाटित करती हुई या मनुष्य के जीवन को शिखर पर ले जाने वाली, मनुष्य के जीवन को सुजलाम सुफलाम करने वाली, मनुष्य के जीवन को आधार देने वाली होती है। और इसीलिए हम हमारी भारतीय संस्कृति में सारी नदियों को हम मैया कहते हैं। ठीक उसी तरह से संत ज्ञानेश्वर जो है, ये भले पुरुष है और अपने उम्र के 21वें वर्ष में ही उन्होंने समाधि ले ली थी, फिर भी सारे संतों ने, सारे भक्तों ने, हम सभी लोगों ने उन्हें माता कहा, माउली कहा। आज भी महाराष्ट्र में जिस लड़के का नाम ज्ञानेश्वर रखा गया है, उस लड़के को ज्ञानेश्वर हम लोग नहीं कहते, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हुए कि किसी व्यक्ति को, मतलब ज्ञानेश्वर ये जो नाम है ये इतना पवित्र नाम है कि हम उस व्यक्ति को ज्ञानेश्वर ऐसा नहीं कहते, तो हम माउली कहते हैं। तो महाराष्ट्र में आज भी ज्ञानेश्वर नाम के कोई भी, भले वो अनपढ़ गवार व्यक्ति हो, अगर उसका नाम ज्ञानेश्वर है, तो हम लोग महाराष्ट्रियन जो लोग हैं या वारकरी संप्रदाय के जो लोग हैं या उसके गांव के जो लोग हैं, वो उसे माउली ही कहते हैं। इन माउली ने जो 27 अभंग लिखे, उनमें एक अभंग जगतगुरु संत तुकाराम महाराज का इसलिए रखा गया क्योंकि
वो जो अभंग है वो विट्ठल के पूरे मूर्ति का या विट्ठल का वो जो सजीव चित्रण जो है वो उन्होंने अपने इस अभंग में किया है, और इसीलिए हरिपाठ की शुरुआत ही इस अभंग से की जाती है। और वो जो विट्ठल है उसका जो गुणगान इन्होंने किया है, इसके जैसा गुणगान फिर किसी को नहीं हु किसी संत ने अर्थात किया, हजारों संतों ने, लेकिन ऐसा गुणगान किसी दूसरे संत नहीं कर पाए इतने कम शब्दों में। इसीलिए इस अभंगों को वारकरी अपना प्रमुख अभंग कहते हैं, और इस अभंग के बगैर हरिपाठ भी नहीं गाया जाता। हमारे महाराष्ट्र में ऐसे लाखों परिवार हैं जहाँ पे रोज़ सुबह और शाम हरिपाठ का नाम संकीर्तन किया जाता है, रोज़ हरिपाठ गाया जाता है घर में। घर में अगर पति पत्नी है तो भी पति एक लाइन गाएगा, पत्नी दूसरी लाइन गाएगी। अगर घर में तीन चार लोग हैं, पाँच छः लोग हैं, तो तीन तीन के ग्रुप में बैठेंगे, पहली लाइन अगर मैं गाता हूँ तो दूसरी लाइन आप गाएंगे। इस तरह की बहुत सुंदर परंपरा महाराष्ट्र में है, हर घर घर में हरिपाठ जो है वो गाया जाता है। इसमें जो विट्ठल जो है उनकी मूर्ति का जो गुणगान है, विट्ठल का जो गुणगान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो पद है उनको हम सुन संत तुकाराम जी कहते हैं कि सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेवनिया, तुझी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान, मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभ मणी विराजित, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने। मित्रों, ये जो अभंग है इसके शुरू जो शुरुआत है उसकी ओर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका मैं हिंदी अनुवाद भी आपको बता रहा हूँ कि सुंदरते ध्यान हुबे विटेवरी कर कटावरी ठेवनिया। इसमें पहली जो पंक्ति जो है उसमें वो कह रहे हैं, हिंदी में जैसे अनुवाद करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि सुंदर वह ध्यान खड़ा है ईंट पर, सुंदर वह ध्यान खड़ा है ईंट पर कर कट पर रख कर, है ना, कर मतलब हाथ, हाथों को अपने कटी पर उन्होंने रखा हुआ है, और वह ध्यान मुझे बहुत पसंद है। मैं इस चीज को हमेशा जब जब मैंने ये भजन गाया है, जब जब मैंने सुना है, तब तब मैंने विचार किया है कि सुंदर वह ध्यान क्यों जबकि विट्ठल उनके सामने है। अगर मैं आपके सामने हूं तो मैं यह कहूंगा, मैं वह नहीं कहूंगा, तो वह ध्यान जबकि विट्ठल उनके सामने है। तो तुकाराम जी इस अभंग में सुंदर ते ध्यान, सुंदर वह ध्यान क्यों कहते हैं, इसके विषय में हमें चर्चा करना जरूरी है। मित्रों, आप सभी मंदिरों में गए होंगे, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो कहीं भी आप गए होंगे। जब भी हम मंदिर में जाते हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर, समझ लो हम केदारनाथ गए या बद्रीनाथ के मंदिर में गए या तिरुपति में गए या द्वारिका में गए या जगन्नाथपुरी गए, हम वहाँ पर गए, इतने दूर से हम जाते हैं, और जाने के बाद उस मूर्ति को या उसके दर्शन करने के लिए हम लालायित है, हम तड़प रहे हैं। मित्र, हम जाते हैं जब मंदिर में काफ़ी लंबी कतार से खड़े होकर हम जैसे वैसे उस मूर्ति तक पहुँचते हैं, ईश्वर तक पहुँचते हैं, और हम फिर हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ने के बाद हम लोग आंखें भी बंद कर लेते हैं। मुझे बताइए, जब जिस मूर्ति को देखने के लिए आप लोग वहाँ पर उस मंदिर में गए हो, इतनी काफ़ी दूर की यात्रा करके वहाँ तक गए हो, जब ईश्वर के सामने खड़े हो तो आप आंखें क्यों लगा लेते हो? मित्रों, यही तो भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ी देन है हमें कि हम लोग ईश्वर जो है उस ईश्वर को हम लोग बाहर खोजते 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 थक गए हैं, और फिर हम अंदर खोजने लग गए।
विश्व में भारतीय दर्शन सबसे उत्कृष्ट दर्शन है। भारतीय दर्शन जैसा कोई दर्शन नहीं है, भारतीय दर्शन जैसा प्राचीन भी कोई नहीं, पुरातन भी कोई नहीं, और भारतीय दर्शन ने जितने विभाग है, जो जितनी हम जिसे कहते हैं डायमेंशन है, उतने किसी भी दर्शन में नहीं। किसी एक 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 विभाग को लेकर लोगों के बड़े बड़े दर्शन खड़े हो गए, लेकिन भारतीय दर्शन बहुत विस्तृत विशाल ऐसा दर्शन। वस्तुतः हम ईश्वर के सामने, उस मूर्ति के सामने जब खड़े हैं, तब हम हाथ जोड़कर आंखें इसलिए मूंद लेते हैं कि मेरे सामने जो मूरत खड़ी है वो मूरत, और मेरे अंदर जो मूरत है वह मूरत, मेरे सामने जो खड़ा है वह ईश्वर और मेरे अंदर जो है वह ईश्वर, ये वही है क्या? इसको हम लोग तादात्म्य स्थापन करने की प्रयास हम लोग करते हैं कि जैसे मैं विट्ठल की मूर्ति देख रहा हूँ, मैं अपने अंदर खोज रहा हूँ कि मेरे अंदर जो विट्ठल है वो विट्ठल और ये विट्ठल दोनों एक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आंखें लगाते ही क्यों? तो मित्रों, इस बात की ओर हमें ध्यान देना होगा कि हम लोग मंदिरों में जाकर आंखें इसलिए लगाते हैं क्योंकि मूर्तियां देखने के लिए नहीं होती। देखना तो बस देखना है, शेर को आप देखने जाते हो, भालू को देखने जाते हो, तालाब को देखने जाते हो, समंदर को देखने जाते हो, हिमालय को देखने जाते हो, अमेरिका देखने जाते हो, जापान देखने जाते हो, चाइना जाते हो, दुनिया में कहीं भी जाते हो, आप वो सौंदर्य को देख रहे हैं, निहारते हैं उसे। ईश्वर निहारने की चीज है? ईश्वर निहारने की चीज नहीं होती मित्रों, ईश्वर अनुभव की चीज होती है। और इसीलिए हम लोग जब भी मंदिर में जाते हैं, उस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, लेकिन हम लोग उस मूर्ति के साथ साथ हमारे अंदर की मूर्ति का भी तादात्म्य स्थापन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्मशास्त्र, हमारा सनातन धर्मशास्त्र हमें ये बताता है कि ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। और इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, सुंदरत्य ध्यान हुबे विटेवरी कर कटावरी ठेवनिया, इसे वो कहते कि मुझे वह ध्यान बहुत पसंद है जो अपने कर कट पर रखकर जो खड़ा है। और कैसा है? तुलसी हार गळा कासे पीतांबर आवड़े निरंतर हेची ध्यान। मतलब क्या है कि तुलसी जो है, तुलसी की माला उन्होंने गले में पहनी हुई है, तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, कमर में उन्होंने पीतांबर को भी लपेट लिया है, आवड़े निरंतर हेची ध्यान। अब ये जो विठ्ठल है, इसने तुलसी की माला पहनी हुई है। तुलसी ही क्यों? क्योंकि संसार में ऐसी बहुत कम वनस्पतियां हैं कि जिनकी खुशबू बनी रहती, जिनके औषधीय गुण बने रहते हैं, जिसमें तुलसी एक महत्वपूर्ण ऐसी वनस्पति है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाली वनस्पति है। तुलसी के मात्र सुवास से, सुगंध से छोटे बच्चों के खांसी और जुकाम जैसे जो दर्द है छोटे मोटे, वो बीमारियां उड़नछू हो जाती है। तुलसी एक बहुत औषधि वनस्पति है, और दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में ये कहना अधिक योग्य नहीं होगा, संपूर्ण भारत में तुलसी जो है वो हिंदू और सनातन धर्मियों के घर पूजी जाती है, रोज पूजी जाती है, सुबह शाम दिया जो है हम लोग तुलसी के सामने लगाते हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देती है, क्योंकि उसकी सुगंध जो है, उसकी सुगंध से छोटे मोटी बीमारियां हमारे घर में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तुलसी हार जो उन्होंने पहना हुआ है विट्ठल ने, वो उसकी खुशबू 2400 घंटे होती है, सूखने के बाद भी तुलसी अपना सुगंध नहीं छोड़ती, जैसे चंदन हमेशा सुगंध देता रहता है, तुलसी भी हमेशा सुगंध देती रहती है। और जब वो सूख जाती है तो उनकी जो लकड़ियां हैं
उन्हीं लकड़ियों से माला बनाई जाती है और उन्हीं उसी माला को तुलसी माला कहा जाता है। और महाराष्ट्र के सभी वारकरी और जो वारकरी नहीं भी है, ईश्वर को जो मानते हैं, ऐसे सभी लोगों के गले में आपको तुलसी माला मिल जाएगी। वो तुलसी की लकड़ियों से बनती है। इतना ही नहीं, जब वो बचे हुए जो टुकड़े हैं उसके, वो टुकड़े जो बचे हुए हैं उन्हें जलाया जाता है और जलने के बाद उसकी जो काली राख बनती है, उस राख को अपने सिर पर, अपने माथे पर अष्टगंध के साथ लगाने की प्रथा वारकरी संप्रदाय में है। वारकरी वो उसे बुका कहते हैं, जो काली राख होती है उसे बुका कहते हैं। वो कहते हैं जो षड रिपु है हमारे, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो षड रिपु है, इन षड रिपुओं को जलाकर जिसकी राख बनती है उसे बुका कहते हैं। महाराष्ट्र में हमारे संतों ने यह कहा है कि जिन्होंने भी इन षड रिपुओं पर अपना अधिकार जमा लिया है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से उड़ गए हैं, उन्हीं लोगों को बुका लगाना चाहिए। जिनके दिल में अभी भी मोह है, लालसा है, काम है, मद है, मत्सर है, मोह है, इन लोगों को बुका लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो वारकरी संप्रदाय की यह सबसे बड़ी देन आप कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि षड रिपुओं को जलाने के लिए कहा गया, और वो किसके माध्यम से? तुलसी के माध्यम से। इसीलिए तुकाराम जी कहते हैं कि तुलसी हार गळा कासे पीतांबर आवड़े निरंतर हेची ध्यान, कि मुझे वह ध्यान बहुत प्रिय है कि उनके गले में तुलसी है और कट पर अपने हाथ रखे हैं और कासे पीतांबर, पीतांबर जो है, जो पीले रंग का जो वस्त्र जो श्री कृष्ण पहनते हैं, विट्ठल पहनते हैं, क्योंकि पीत वस्त्र जो है वो पवित्रता की निशानी है, पवित्रता। वो इतना पवित्र है वह कि उसी तरह से वारकरी भी पवित्र हो जाए। वो सिर्फ वस्त्र पवित्र होने से कुछ नहीं होता, हम अंतर मन से पवित्र हो जाए। और वो पवित्र और पावन होने के लिए जो है, विट्ठल ने जो अपने कमर में पीत वस्त्र धारण किया है, और उसी तरह से हम जो वारकरी है, हमें भी उस तरह का पवित्र होना है। यह संदेश जो है ये विट्ठल हमें देते हैं। इसलिए वो कहते हैं तुझी हार गळा कासे पीतांबर आवड़े निरंतर हेची ध्यान। वो हमें सिर्फ पसंद नहीं है, आवड़े निरंतर हेची ध्यान मतलब क्या कि वो बस हमें पसंद है ऐसा नहीं है, निरंतर वही है। मतलब हम जब सुबह उठते हैं तब से लेकर पूरे 24 घंटे, मतलब जब से होश संभाला है, जब से विट्ठल को एक बार देख लिया है, उसकी महिमा को हमने जान लिया है, तब से लेकर आज तक, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि जिस दिन विट्ठल का ज्ञान हुआ उस दिन से अब तक 24 घंटे वो हमें प्रिय है, हमारे आँखों से वह ओझल नहीं होता। मित्रों, प्रेम जो होता है ना, ये प्रेम मनुष्य को अंदर बाहर से बदल देता है। जो विट्ठल का जो प्यार है, विट्ठल का जो प्रेम है, उसने अंदर बाहर से बदल दिया है संतों को। उनके दिमाग में सिर्फ वही चलता है कि मेरा विट्ठल, मेरा पांडुरंग, और वो हर रोज उसी का गुणगान करते रहता है, वो उनके जैसे बनने की कोशिश करता है। और वो जो सारा मामला है, यह मामला संतों के जीवन में घटित होता है, इसको हम आसानी से नहीं समझ पाए। तो कहते हैं ना, जिसे प्यार होता है उसे पता चलता है कि वो अपने प्रेमी के लिए कितना तड़पता है, कितनी तड़प है। जो लड़की ब्याही जाती है ना, उसे ही पता है कि मैं का क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, भाई का प्रेम क्या होता है। जब तक वो, उसकी शादी नहीं हुई है, वो हर रोज झगड़ा करती है, माँ से झगड़ा होता है उसका, भाई से झगड़ा होता है, बहन से झगड़ा होता है। लेकिन जब वो शादी करके चली जाती है, हर पल उसको माँ बाप याद आते हैं, हर पल उसे भाई बहन याद आते हैं, उनके झगड़े याद आते हैं, उनकी नोक झोंक याद आती है, और वो अधिक से अधिक प्यार करने लग जाती है। ठीक वैसे ही भक्तों का है कि भक्त अपनी माँ से, विट्ठल को भी माऊली कहा जाता है हमारे महाराष्ट्र में, तो विट्ठल एक माँ है और उस माँ से हम बिछड़े हुए हैं,
अब हम ससुराल में है तो माँ के लिए तड़पते हैं, रोते हैं, रोज हरिपाठ गाते हैं, रोज कहीं ना कहीं कीर्तन होते रहता है, हम कीर्तन सुनते हैं, मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, और हर दिन हर पल दिमाग में, आँखों में, मन में हमारे विट्ठल ही विट्ठल रहता है, और वो विट्ठल जो है ना निरंतर याद रहता है। इसीलिए तुकाराम महाराज ने इस अभंग में निरंतर शब्दों का प्रयोग किया है कि आवड़े निरंतर हेची ध्यान, ये जो ध्यान है वो निरंतर है, सोने के बाद भी ध्यान बना रहता है, क्योंकि ध्यान नहीं टूटता। ध्यान जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह कोई योग का कोई ध्यान नहीं है कि आप बैठ गए और आलोम विलोम कर लिया, ऐसा नहीं। यह निरंतर ध्यान है जो आपके आत्मा में मन में उतर गया है वह विट्ठल, और वही वही है, इसलिए वो निरंतर रहता है, उसमें बदलाव नहीं, उसमें रुकावट नहीं है। जब वो देह छोड़ेंगे तो उसी में ही जब खो जाएंगे तभी हो सकता है वो ध्यान छूट जाए। क्योंकि तुकाराम महाराज ने एक जगह पे कहा था कि विठू पहावयासी गेलो आनी विठूची होवुनी ठेलो, अर्थात मैं विठ्ठल देखने गया और मैं विठ्ठल हो गया। हम उसमें समा जाते हैं, संत उसमें समा जाते हैं, जो भी प्यार करता है, प्यार का अर्थ ही तो त्याग है, प्यार का अर्थ ही तो समाहित होना है, प्यार का अर्थ ही तो संगम हो जाना है। और तुकाराम जो है वो कहते हैं कि मैं संगम हो गया हूँ, मैं विठ्ठल हो गया हूँ, अर्थात उनके विठ्ठल होने के पूर्व का यह अभंग है। इसलिए वो कहते हैं आवड़े निरंतर हेची ध्यान, मकर कुंडले तड़पति श्रवणी, कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। अब हम देख रहे हैं मकर कुंडले तड़पति श्रवणी। मकर मतलब मछली, मालूम है आपको, कुंडल मतलब कुंडल है, मकर के आकार के कुंडल है, और वो श्रवण भी मतलब कान में है। मकर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मित्रों? मकर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मकर समंदर के पानी में हो या फिर किसी गंदे नाले के पानी में हो, जब वो निकालेंगे आप तो दोनों में आपको कोई भेद नज़र नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि कितने भी गंदे पानी में मकर को आप डाल दो, वो उस गंदगी को अपने से नहीं लगने देता, क्योंकि वो जहाँ भी रहता है वो पवित्र होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मकर के कुंडल जो है ना वो कान में पहने हुए, कान में, इसीलिए क्योंकि श्रवण जो है ना, श्रवणी मतलब कान, तो जो हम सुन रहे हैं वो मकर जो है ना वो पवित्रता की खोज में होता है, वो पवित्र ही होता है, वो कभी अपवित्र नहीं होता। तो ये जो कान हमें दिए हैं वो ईश्वर के नाम स्मरण को सुनने के लिए दिए हैं, अच्छी बातों को सुनने के लिए दिए गए हैं। हो सकता है बुरी बातें आ जाए, आपको सुनने में बुरी बातें भी आएगी, लेकिन वो याद दिलाता है, मकर कुंडल हमें याद दिलाता है कि जिस तरह से मछली गंदगी अपने आप में नहीं लगने देती, वो पवित्रता की खोज में ही रहती है, ठीक उसी तरह से मनुष्य को भी अच्छे विचारों के, पवित्र और पावन विचारों को ही सुनना चाहिए। जो बुरा सुनाई देता है उन्हें यहाँ से सुनकर यहाँ से छोड़ देना चाहिए। जो विचार, जो आवाज़, जो प्रवचन, जो कीर्तन हमारा उद्धार कर दे, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, इसी तरह के प्रवचनों को सुनने के लिए हमारे ये कान है। और इसीलिए मकर कुंडल जो है विट्ठल ने अपने कानों में पहने हैं, वो ये दिखाते हैं कि बच्चों आप वही सुनो जो पवित्र हो, पावन हो, मछली की तरह पावन हो। आगे वो कहते हैं कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। गले में हमने देखा है कि गले में कुछ लोग एक छोटी सी चेन पहन लेते हैं, 2-10 ग्राम की, 50 ग्राम की, जो भी पहनते होंगे बेचारे, हमें तो नहीं पता। तो वो दिखाने के लिए बार बार 2 बटन खुले करके वो चलेंगे कि मेरी चेन दिखनी चाहिए। हाथों में, उंगलियों में अगर वो अंगूठियाँ पहन लेते हैं तो वो दिखनी चाहिए, इसलिए बार बार ऐसा ऐसा करेंगे कि मेरी अंगूठी देखो। अरे उस विट्ठल को देखो, उस हमारे महाविष्णु पर ब्रह्म को देखो, जिनके गले में कौस्तुभ है, कौस्तुभ कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। कौस्तुभ है क्या?
जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन से जो पांचवा रत्न बाहर आया था वह कौस्तुभ था। मित्रों, देवता और राक्षस दोनों एक जैसे थे, दोनों को अमृत चाहिए था, उनको बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। फिर कामधेनु भी थी, ये भी था, और फिर हलाल निकला तो फिर भागो सभी, अब ये सब भाग कर गया और शंकर जी को उन्होंने दिया, ये सारी कथा आपको पता है। तो जब कौस्तुभ निकला, देखा क्या है यार ये, क्या करेंगे इसको, क्योंकि उनको अमर होना था। फिर वो जो कौस्तुभ मणि है वो प्रभु विष्णु को दिया गया था, और प्रभु विष्णु को कहा गया था कि आप इसे धारण कीजिए, क्योंकि ये इतना अनमोल है कि इसे हम संभाल नहीं पाएंगे। और फिर महाविष्णु ने कहते हैं अपने गले में कंठ में कौस्तुभ को पहन लिया था। तो वो जो लक्ष्मी के भी पति है, हम सब लोग लक्ष्मी प्रसन्न हो इसके लिए पूरी जिंदगी खपते रहते हैं भाई लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, और वो लक्ष्मी वरा है, वो लक्ष्मी पति है, तो कौस्तुभ उनके लिए क्या चीज है। तो वो जो कौस्तुभ है वो उनके गले में है, और वो भी विशेष रत्न है ना, वो कोई आम नहीं है, विशेष रत्न है जो समुद्र मंथन से। और कहते हैं कि जो इच्छाधारी नाग होते हैं उनके पास वह रत्न होता है, और वो इच्छाधारी नाग जो है समंदर के बहुत गर्त में, बहुत दूर दूर कहीं तो भी होते हैं, और वैसा अनमोल रत्न जो है वो कौस्तुभ मणि जो है वो विट्ठल अपने कंठ में पहनते हैं। और आगे कहते हैं, तुका मने माझे हेची सर्व सुख पाही न श्री मुख आवड़ी ने। तो तुकाराम जी ये कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा सब कुछ आप है। तुका मने माझे हेची सर्व सुख, तुकाराम कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ सुख जो है वो आप है। पाही न श्री मुख आवड़े ने, मतलब आपका ये जो स्वरूप है, आपकी ये जो सुंदरता है, आपका ये जो स्वरूप है, इससे मैं प्रेम करता हूँ, मैं इसका आदर करता हूँ, मैं इनका नमन करता हूँ, मैं इनको वंदन करता हूँ, मैं इनको साष्टांग नमस्कार करता हूँ, कि यह रूप जो है यही मेरा सब कुछ है। इस रूप के बिना मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना मुझे नर्क चाहिए, ना मुझे इंद्र गद्दी चाहिए, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार का कोई भी सुख मुझे नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन जो है, हे विट्ठल, आपका जो दर्शन है वह दर्शन नित्य मुझे होता रहे, नित्य मेरे स्मरण में रहे कि आप प्रभु, आपके कारण इस विश्व का निर्माण हुआ है, और आप हमारे तारणहार है, आप हमारे सब कुछ है, और इसीलिए आपका ये जो दर्शन है, जैसे आप आज तक आपने हमें दर्शन दिया, इसी तरह का दर्शन हमें जन्मों जन्म मिले, इस तरह की आराधना जो है संत तुकाराम जी कहते हैं। और ये जो पद है, ये जो अभंग है, हरिपाठ में जो ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है 27 अभंग, उसके ऊपर ये अभंग को रखा गया है, क्योंकि संत तुकाराम का ये जो अभंग है ये एक विशेष अभंग है, ये कोई आम अभंग नहीं है। इसका अगर विश्लेषण करने बैठ जाए तो दो दिन भी कम होंगे, इतना विस्तृत अभंग जो है इसमें उन्होंने छोटी छोटी बातों को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। आप सब ने मुझे सुना, इस पांचवें पुष्प को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे के इसमें हम संत ज्ञानेश्वर के विषय में हम चर्चा करेंगे। जय हरि विट्ठल, जय जय विट्ठल, राम कृष्ण हरि।